हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आप लोग अपने YouTube की वीडियोस में एंड स्क्रीन कैसे ऐड करें। दोस्तों, एंड स्क्रीन लगाने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। सपोज दोस्तों, यदि आपकी एक वीडियो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर वॉच करने वाला व्यक्ति आपकी वीडियो को लास्ट तक देखता है, तो दोस्तों दोस्तों उसमें एंड स्क्रीन की मदद से उसे दो तीन वीडियोज़ और रिकमेंड होती। यदि दोस्तों वॉच करने वाले व्यक्ति को आपकी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो वो आपकी दूसरी वीडियोस को भी वॉच करेगा, जिसकी मदद से आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपनी वीडियोस में एंड स्क्रीन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियोस में एंड स्क्रीन लगाते हैं, तो दोस्तों आपके व्यूज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो आप लिहाजा आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। एंड स्क्रीन लगाने से दोस्तों आपके वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते हैं, और व्यूज़ बढ़ने के कारण दोस्तों आपका वॉच टाइम भी बढ़ने लगता है। स्क्रीन लगाने से दोस्तों आपके चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे दोस्तों आपके चैनल का ग्रोथ भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोग अपने वीडियोस में एंड स्क्रीन कैसे ऐड करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग चलना है मोबाइल की स्क्रीन पर, तो दोस्तों आप लोगों को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद दोस्तों ये थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर आप लोगों को टिक वाला निशान दिख कर देना है, इनेबल कर देना है इसको, डेस्कटॉप साइट को। उसके बाद दोस्तों हम लोग को अब यूट्यूब पर जाना है। दोस्तों ये देखिए, मेरा चैनल आ गया है, तो मैं जाता हूँ फिर से अपने लोगों पर, चैनल के लोगों पर। दोस्तों अब आप लोगों को फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है योर चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो आप लोगों को कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस बताएगा, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा है ये वीडियो का, तो दूसरा वाले नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसमें देखिए दोस्तों, सारी वीडियो आ गई। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी वीडियोस में एंड स्क्रीन लगाना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वाले चैनल पर, इस वाले मतलब वीडियो पर आप लोगों को एंड स्क्रीन लगा के दिखाता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, उस यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आ गया हमारा इंड स्क्रीन का। अब आपको देखिए जो ऑप्शन में पेंसिल वाला बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस बताएगा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों एलिमेंट दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई सा भी एलिमेंट आप इंड स्क्रीन में लगा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में ये वाला इंड स्क्रीन लगाऊंगा, फर्स्ट वाला, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों वीडियोस का, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से कोई से भी वीडियो चूज करके अपनी इंड स्क्रीन में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये वाला वीडियोस को यहां पर इंड स्क्रीन में ऐड करूंगा। तो देखिए, एक इंड स्क्रीन मेरा ऐड हो चुका है। तो दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन में जाता हूं, ये आपको जाना है वीडियो, यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई से भी वीडियो चूज कर लीजिए, चूज करके आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इंड स्क्रीन सेट हो चुका है, आप लोग यहाँ से इसको चलाकर देख सकते हैं।
दोस्तों आप लोग यहाँ से अपने ये ऑप्शन दिख रहा है टाइमिंग का, आप लोग यहाँ से अपनी इन स्क्रीन की टाइमिंग यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों मेरा इन स्क्रीन सेट हो चुका है, एड हो चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा होगा कोने में सेव का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना है सेव वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों आपकी वीडियोस में एंड स्क्रीन लग चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी वीडियोस में इस प्रकार से एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं।